तो ये और गाइस आज खेलने वाले हैं स्टंबल गाइस। ये फॉल गाइस का एंड्रॉयड वर्जन, फॉल गाइस एक पीसी गेम है, तो उसमें ये वाली स्टेज है, स्टेज नहीं है कुछ तो है, वो क्लियर करनी है। आज अपने को फर्स्ट आना है। तो यहाँ पर मेरा कैरेक्टर है हरी टोपी वाला, हाँ हरी टोपी है। यहाँ पर भाई मैं जो गिरा था ना तगड़ा वाला, मैंने यहीं से हार मान ली थी भाई, आज तो गया, अब नहीं जीता जाएगा वाला मैच। एंड जब मैंने भाई दूसरों गिरते हुए देखा मज़ा आ गया, फिर मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया। मैं सोच रहा था ये बेस नीचे है और मैं इस पर कूदूँ, फिर मुझे साइड में से घूम के जाना पड़ा। एंड हियर मैं सोच रहा हूँ भाई कैसे जाया जाए ऊपर, बट पीछे जो इंसान थे ना, ये कैरेक्टर्स थे, इन्होंने भाई मदद की और मैं ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे से आके एक था और अभी तक किसी ने स्टेज क्लियर नहीं किया। मैं भी सोच रहा था यार पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी क्लियर। यहाँ पर भाई जो डर लगा था इन बॉक्सेस पे भाई, अगर एक पलटा डब्बा भाई गया, और यहाँ पर स्टेज क्लियर करते ही सीधा एक हैमर मुँह पे पड़ा था भाई, यहाँ पर मेरा बटन ही नहीं दबा जब का। एंड देन आई ट्राई अगेन, भाई यहाँ पर फिर गया नीचे भाई, ट्राई तो करना ही था, दोबारा ट्राई करा और इस बार फिर मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर पता नहीं कैसे भाई जो दूसरे इंसान है वो मेरी मदद कर रहे थे। यहाँ पर देखो लेफ्ट में दो है, तो मैं ऊपर आराम से चढ़ जाऊँगा। छः ने क्लियर कर ली थी स्टेज और मैं था सातवा। एंड आई थिंक मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि दूसरों का मैच क्या ही दिखाना। ठीक है, और ये हो चुके हैं, बाकी 32 लोगों में सिर्फ हम 16 बचे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। अब आएगी नेक्स्ट स्टेज, ओके सर पता नहीं कौन सी स्टेज आएगी, तो ये वाली स्टेज आई है, इसका मैं चैंपियन हूँ, बट इसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, अब देखना था। तो यहाँ पर मैं जा रहा था, ये जो मारते हैं भाई साहब, पर मैं इससे डोज होके जो गया हूँ, मैं नीचे गिर गया भाई, जानबूझ के गिरा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था भाई यहाँ पर टकरा जाऊँगा तो गया मैं, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था सबसे आगे हूँ, बट एकदम दो लोग आए भाई, और यहाँ पर मैं भाई टकराते बचा, बट आखिरी में टकराएगा भाई, यहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पर मैं फंस गया था इसके अंदर। देन भाई मैं जंप करते करते निकला यहाँ से, और फिर मैं पहुँच चुका था इस ब्रिज पर। एंड हियर आई एम सीइंग भाई कोई नहीं है मेरे आस पास, ठीक है मज़े आ गए बल्ले बल्ले, और यहाँ पर मैं जाके बचाऊँगा खड़ा, मैं लूँगा लोगों के मज़े। यहाँ पर मेरे पास जितने भी मौजूद थे मैं दिखा दूंगा सारे के सारे कि भाई ऐसा भी होता है, मैं इतनी पहले पहुँच गया। एंड देन एकदम भाई पीछे से वो आ रहा है ना, पीछे से आया और मैंने कर दिया स्टेज क्लियर। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि भाई मैं कुछ नहीं सोचा, वैसे मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया होगा शायद से, ओके तो हम चार लोग ने ये स्टेज क्लियर की है, और फिर अब देखते हैं कौन सी स्टेज आती है। इस बार आई है हनीकॉम वाली स्टेज, जिसमें अपने को सिर्फ बचना है, जहाँ पर हम खड़े होंगे वो वाला प्लेटफॉर्म नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने दूसरों के प्लेटफॉर्म की मदद ली भाई, मैं हवा में हूँ इतनी देर तक भाई, देखो अभी पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था कब तक मरे थे, बट रिकॉर्डिंग पर ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी तक ऊपर की स्टेज क्लियर नहीं की मैंने, मतलब मैं बचा हुआ हूँ ऊपर तक, इसमें सबसे ज़्यादा बचना ही था बस नीचे गिरने से। ठीक है ना, आगे जाके भाई जो हुआ, अब देखो राइट कॉर्नर में देखो दो इंसान मर चुके हैं, मुझे पता भी नहीं था, मेरा ध्यान था कि बचो बस कूदो ऊपर नीचे कूदो। फिर भाई देखो अब मैं नीचे जाके जो गिरूंगा, ऐसा गिरा भाई मैं मुझे लगा गया मैं, ये मैच गया, अब देखना दोस्तों मैं शायद से अब गिरने वाला हूँ, आई थिंक यस। यहाँ पर भाई लगा भी गया, ये वाला मैच गया, हो रहा है मेरे सामने और वो मेरी आंखों के सामने गिरा, मजे आ गए, मुझे पता भी नहीं था कि तीनों गिर चुके हैं। और यहाँ पर हो चुकी थी स्टेज क्लियर और मैं आ चुका था फर्स्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कैसा लगा वाला मैच, अगर तुम चाहते हो इसकी मैं और वीडियो डालूँ तो बस लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए।